प्रणाम चाचा, कैसन बानी? बढ़िया बढ़िया एकदम मतलब बढ़िया। हमरा के आशीर्वाद आजकल लिखी देते आशीर्वाद दिन तब लैका भई जा 18 साल लैका होई तो ई तो रहुआ सही कहता नहीं रहुआ आशीर्वाद मिले रहते। हमारा अभी लॉकडाउन के बाद लैका हो गेले। लॉकडाउन के बाद लैका हो कितना है ना सिनेमा बनाओ रिलीज नहीं खे हो। हां तारा लैका हो गेली कम बुझा तारा। तो कल्लू जी आजकल घर पे आए हुए हैं, क्या कुछ खास बातचीत है क्या? लड़की के फोटो दिखावे के रहा। शादी विवाह के बात चला था ना। अच्छा जीवन का सबसे बड़ा फैसला गार्जियन नहीं तो सोच ही पड़ी। हाँ ना हम हूँ कुछ दिन पहले ब्याह के बात करते हैं कल्लू से, लेकिन शर्मात रहन बोलता रहन की शर्मा तो ही। लेकिन कौन हीरोइन का नाम बता दे, हीरोइन से शादी मत कर दिया। हीरोइन हीरोइन लेना है ना, कुशल गृहिणी हुई। हाँ फर्स्ट क्लास के परोठा भुजिया दाल भात तरकारी बनाई खियाई। अच्छा वो लोग से बनाए ब्याह का क्या हुई, वो तो सिनेमा में ब्याह होते बा। अच्छा वो लोग से खाना बनाने वाला सिनेमा ब्याह होता तो फिर जरूरत नहीं शादी करे के नहीं। हाँ वो सब डुप्लीकेट है, फोटो। अच्छा। वाला शादी है ना। हाँ अब ये शादी होगा तो ओरिजिनल शादी होगा। ये बनारस में हम इस वक्त बानी रहुआ घर पे। हाँ। घर कब बना रहे? ये करीब हो गई 10 साल पहले, 2010 में लमसम बना था। 10 में? हाँ 2010। बड़ा निठा है घर बनल बा। घर ठीक ठाक बा। मेहनत मेहनत पूरा किए घर बनाने। कमा के सब पैसा हम ही को दिया है, थोड़ा दम ये बैठी किया है, सब पैसा घर में लगाए हैं। अच्छा और क्या नया कुछ प्लान चला था कल्लू जी को लेके? कल्लू के शादी हुई, इनका मेहरारू आई तो प्रोड्यूसर बनी, सिनेमा हमने के बनाई जा और देखो से दुगना कमाई जा। अभी बेटे कमाता पोतो तो आई तो मान ले कि जब सिनेमा बनाई तब बेचेबे ना करी। सही बात बा। तब दुगना कमाई हो जाई, दू गो घर बा तो 4 गो घर हुई, 4 गो से 8 गो हुई, 8 गो से 16 गो हुई। और कल्लू जी के और भाई लोग कहाँ कहाँ का करते बन? इनसे छोटा वाला है वो देहरादून बीटेक कर रहा है, और लखनऊ बाबू बनारसी दास को कोनो स्कूल है उसी से बीबीए कर रहा है। अच्छा आएगो आएगो तो बड़ा आंसू आंसू होगा। हाँ वो क्या करता बन? उसका तो राजयोग लिखा है महाराज। अच्छा राजयोग। हाँ राजयोग उसके लिखा है, वो रोज हवाई जहाज से घूमता है, आता खाता है, सब ठीक है। वो राजयोग उसके जिम्मा है। हाँ हम सुनिए कर वो डायरेक्टर बनल वाला बनी। हाँ हाँ बहुत जल्दी बहुत कुछ खबर ही देंगे। हाँ तैयारी एकदम जोर शोर से चला था। हाँ, 22 में। अच्छा 2022 में हुई? 22 में। हाँ 21 में विवाह। हाँ और 22 में जाके सिनेमा बनाएंगे। वाह तो बहुत अच्छी बात है। 10 फिल्म का मुहूर्त करेंगे हम। 10 फिल्म का? हाँ एक जाएंगे नहीं इधर उधर। शादी होगा ये भी जब तक बच्चा पैदा नहीं कर देंगे अभी तब तक कहीं जाएंगे ना उसी घर सिनेमा बनेगा। 10 सिनेमा मतलब बड़ा तगड़ा प्लानिंग कर रख रहे बने हुए हैं। प्लानिंग है तो बात फेल कर जाएंगे, इतना कंपटीशन है आप समझ रहे हैं। इतना कंपटीशन है, आपका शादी हुआ बेटा हो गया और मेरा लेकर बंदे रहेगा है। अच्छा और ये कुछ प्लानिंग चला था ये साल के? अभी कहा है पहले तो यही ना है। अच्छा पहले ही नहीं करेंगे? पहले ही हो गया आंसू होगा हो गया। और बाकी लेकिन कब करेगा? बाकी लड़का एगो इंजीनियर। हाँ हमारा लगे 2-3 गो लड़की फोटो भेज ले ब्याह करे खातिर। कौन मैंने कलाकार है कि ना? ना बेकलाकार है, बिना कलाकार के भेजी है तो घर भेजी। हाँ। नाश्ता पानी मिलेगा? नाश्ता पानी नहीं मिलेगा? कौन सी जो आएगा देखने के लड़का को? वो पहले फोटो भेजी। अच्छा पहले फोटो भेजना पड़ेगा हमको, लगे भेज दे कुछ नाश्ता पानी मिलेगा कल्लू से? ना अच्छा ऐसा है, पहले रघुआ सेलेक्ट करो उसके बाद। चलो अच्छा बाबू जी वैसे जैसे बोलो तो वैसे उन लोगों से बोल देव कि फोटो पहले भेज दी व्हाट्सएप पे, ओके बाद कोई प्लानिंग होगी। अच्छा और बनारस में और आजकल रहते हैं लॉकडाउन के बाद ज़्यादा, और बक्सर तो बम्बई नहीं जाते? बम्बई में झूठ सा सब कोरोना का हल्ला करता है, डाल देगा क्वारंटाइन में तो इसी में हार्ट के पेशेंट हम मर जाएंगे उधर तो दिक्कत ना हो जाएगा। अब इधर है कि अपना एक क्षेत्र राज्य है, बनारस हो चाहे बक्सर हो बनारस में आप हैं, यहाँ पर मोदी जी शरण में लिए हो बनारस को काफी। तो कोई लेना देना नहीं है, मैं भोलेनाथ की नगरी है, यहाँ पर सब मैंने ठीक रहता है, बाबा की नगरी है, सब सब ठीक है, सब सब बम यहाँ पे। जोगी जी अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? जोगी जी करते हैं कि मोदी जी करते हैं, हमको क्या लेना देना है, बेटा कमाता है हम खाता है, मोदी जोगी से क्या लेना देना है मेरे को? अच्छा हाँ वो तो झूठ बोलने वाला जुमला वाला आदमी है मोदी, इधर उधर करता है खाली। चलिए दर्शकों से कल्लू के दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप? कल्लू का सिनेमा देखिए, कल्लू का गाना सुनिए और
राजनेता बनाइए, यही ना कहेंगे, ले आना ले आना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बनने का संभावना है? प्राइम मिनिस्टर के हम चक्कर में है, आप महाराज मुख्यमंत्री के चक्कर में है, हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद जो है यही बनेगा जो है। अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे कल्लू जी? 30 साल के बाद कल्लू छोड़ देंगे फिल्म दुनिया, अब समाज सेवा में आ जाएंगे। अच्छा, बहुत कमाए 9 साल से लेके 35 साल तक ये कमाएंगे, उसके बाद अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। अच्छा, चलिए, अच्छा बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इतना जानकारी देने के लिए, थैंक यू सो मच।